अगर इस वाले सवाल पे देखें, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर दिया हुआ है ना। तो हमारे पास कोई डिस्क ले लो, ये है डिस्क और ये डिस्क का कोई डायमीटर है। इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई डायमीटर के अबाउट किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर के बराबर। अब क्या बोल रहा है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है कोई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो डिस्क के सेंटर के अबाउट जो होता था याद करो वो होता था एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे लिए क्या, आई जेड या आई ए बी ले लेते हैं, आई ए बी ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकाले बेटा, आई ए बी किसके बराबर है, यह है थ्री बाई टू ऑफ एम आर स्क्वायर। यहां से एम आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, फोर आई के बराबर हो गया। तो इसको लिख दो, यह है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर के जगह फोर आई, तो कितना आया आंसर, सिक्स आई के बराबर, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन में बोल रहा है टू स्क्वायर आउट ऑफ वन ऑफ विच इज हॉलो दूसरा इज सॉलिड। तो एक हॉलो है, हॉलो के लिए क्या हो जाता है, टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, और सॉलिड के लिए हो जाता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। हैव आइडेंटिकल मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मास सेम है, ठीक है, अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर। अच्छा, रेशियो ऑफ रेडियस, तो आर वन और आर टू ले लिया, मास सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, टू टू कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव आया, यानी इन दोनों का कितना के बराबर आया, अंडर रूट ऑफ थ्री बाई फाइव के बराबर, ऑप्शन नंबर थ्री। इस सवाल को देखें तो आप क्या बोलेंगे, यहां से जो एक्सिस जा रहा वो एक के सेंटर से होकर जा रहा और दूसरों को टच कर रहा, सभी सॉलिड स्फीयर है, तो यहां से अगर आप देखें ये टच कर रहा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट लॉ टू बाई फाइव सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बना सकते हैं, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अबाउट जो आई आया वो किसके बराबर है, जब टेंजेंट कर रहा स्फीयर को, तो ये आ रहा सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ठीक। तो आई मान लो ये टू है, ये वन है और ये थ्री है, तो आपको दिख रहा होगा टू और थ्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो आप क्या बोल सकते हैं, टोटल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू के बराबर लिख सकते हैं। आई वन की वैल्यू कितनी है बेटा, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, एंड आई टू की वैल्यू है टू टाइम्स ऑफ सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो तो यह आया सोलह बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। चार स्फीयर हैं और सभी का डायमीटर 2a के बराबर है, तो सभी का डायमीटर 2a के बराबर है और सभी स्क्वायर पे रखे गए हैं, तो सभी को स्क्वायर पे रख दिया गया और इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है a, ठीक है, ये सभी रखे गए हैं। अब क्या बोला गया, किस पे, कॉर्नर ऑफ साइड बी, ये बी है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड। तो सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस साइड हम लोग ले रहे हैं, तो देखो बेटा ये जो एक्सिस है ये स्फीयर के सेंटर से होकर जा रहा, तो ये है वन टू थ्री फोर। ध्यान देने वाली बात है, आई वन इक्वल टू आई फोर होगा और इसकी वैल्यू क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो टू बाई फाइव एम ए स्क्वायर के बराबर होगा। हम आते हैं आई टू के लिए, तो आई टू के लिए जो थ्योरम लगेगा किस एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट, तो कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, यानी आप लिख सकते हैं टू बाई फाइव एम ए स्क्वायर प्लस प्लस एम इन टू बी स्क्वायर। अब ये अगर आपने लिख दिया तब आपको बस लिखना है क्या, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टू टाइम्स आई वन प्लस टू टाइम्स आई टू। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m 2 बाई फाइव, तो कितना हो गया ये 4 बाई फाइव एम
स्क्वायर प्लस, टू से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 mb², यानी यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 mb², ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसका सेंटर ऑफ मास देखिए कहाँ होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा जो कि इस डिस्टेंस पे, जो कि इस डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर एल बाई टू है ये हमारे पास 30 डिग्री होगा, तो आप ट्राइंगल से क्या बोल सकते हैं, एल बाई टू 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं बेटा, आप बोल सकते हैं साइन और टेन 60 डिग्री 30 डिग्री इनफैक्ट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल बाई थ्री। टेन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3 है ना, और एल की जगह पे है एल बाई, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये तो एल बाई टू था ना, एल बाई टू तो 2 पर चला गया। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू इंटू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू से ये आ गया 2√3, ये आ गया ये डिस्टेंस एक्स। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने को पता है, सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखें तो ये कितना होगा, ये होगा मास एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू एल बाई 2√3 का होल स्क्वायर, यानी कि इससे हम लोग सिंप्लीफाई करें जरा, तो ये आ जा रहा है हमारे पास आई इज इक्वल टू, ये भी एम एल स्क्वायर, ये भी हो रहा है एम एल स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है हमारे पास एम एल स्क्वायर बाई 6 के बराबर। ये एक रॉड का है, ऐसे हमारे पास टोटल 3 रॉड हैं, तो आई नेट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई, यानी कि आप बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 6, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अपने को पता है आई 3 एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर है, आई 4 भी एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर है, आई 1 भी एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर है, एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर है, और ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर है। अब देखो बेटा पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो बाहर जो निकल रहा होता है आई जेड वो किसके बराबर आ रहा था, एम एल स्क्वायर बाई 6 के बराबर। तो आइदर आप किसी भी दो का सम कर दो, आप आइदर इन दोनों का सम कर दो तब भी आ जाएगा, आइदर आप इन दोनों का सम कर दो, आई वन आई टू कर दिया फिर भी आएगा, दूसरा आई वन आई थ्री करा फिर भी आएगा, आई टू आई फोर करा फिर भी आएगा, लेकिन अगर आप चारों को ऐड कर दोगे तो 4 times of ml² by 12 आ जाएगा, जो कि एम एल स्क्वायर बाई 3 है वो तो फॉल्स है ना बेटा, मतलब अपना अपने लिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन पूछे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1, तो देखिए कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है एल बाई 2 पे है थर्ड मास के लिए, तो आई अबाउट 1 अगर हम लोग निकालें तो एक के लिए है एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर है ठीक, और दूसरे के लिए है एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस है एल बाई 2, तो इसको चलो और अच्छे से लिखते हैं, कहाँ गया, डिस्टेंस है एल बाई 2 जो ऊपर वाला मास है, 1 ले लिया 2 ले लिया ये 3 ले लिया, तो एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया क्या एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, तो कितना बना 5/4 एम एल स्क्वायर, ये 1 के अबाउट। अब बच्चा क्या करता है जल्दी में इसको टिक करके आगे बढ़ जाता है, वो बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ता है, बाकी भी पढ़े। आई 2 अगर निकालना है हमें तो कितना होगा बेटा, आई 2 अगर निकालना है तो ये सेकेंड एक्सेस है हमारे पास, आप आई 2 अगर निकालें तो देखो इन दोनों एक्सिस के लिए तो कुछ नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, बट इसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। सो ये डिस्टेंस हमारे लिए कितना है एल बाई 2, ये एंगल कितना है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा इसका डिस्टेंस अगर वाई ले लिया जाए तो 1060 इज इक्वल टू वाई अपॉन एल बाई 2, यानी अगर वाई की वैल्यू निकाली जाए तो ये है हमारे पास एल बाई 2, 1060 की वैल्यू है कितनी √3 के बराबर, तो √3/2 एल के बराबर। अगर मास निकाला जाए तो एम एल √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 बाई
एल स्क्वायर, यानी आया 3/4 ऑफ एम एल स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन सही है। फिर अब आई जेड निकालने बोल रहा है, मान लीजिए तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आई वन प्लस आई टू के बराबर होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, 5/4 एम एल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 3/2 एम एल स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया 3/4, टोटल हो गया 8/4, यानी आया 2 एम एल स्क्वायर के बराबर। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ये है ऑल ऑफ दीज। देखो बेटा, फोर्थ थिन रॉड है, सभी का मास एंड लेंथ एल है, ठीक है, इसे स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया गया, स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया गया। अब क्या बोल रहा, स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया, यहां से हटा ही देते, स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस अलोंग डायगोनल, तो ये डायगोनल। अब देखो बेटा, अगर इसका ये रॉड को ले, इसका भी सबका मास लेंथ एल है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, 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 और ये जो चारों रॉड है हमारे साथ, इन सभी का एक एक एंड किससे कनेक्टेड है, एक्सिस से कनेक्टेड है। याद करो हम लोग एक बात किए थे, अगर किसी भी सिंगल रॉड को आप लें तो ये है हमारा एक्सिस और ये है रॉड, ये है रॉड, ये रॉड कितना एंगल बना रहा है बेटा 45 डिग्री बना रहा है एंगल। तो अगर इस रॉड में हम लोग देखें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ये एल साइन 45 डिग्री के बराबर, ये है रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब रॉड के एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, कोई भी रॉड है उसका एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो I इज इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि चार रॉड है, m by 3 एंड के अबाउट m by 3, l into sin 45 का होल स्क्वायर। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, इसको कैंसल आउट कर दिया तो कितना आया 2/3 एम एल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। इस सवाल में क्या बोल रहा है, दो पॉइंट मासेज हैं आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। कल भी हम लोगों ने ये काम किया था, ये दो मास है हमारे पास, सपोज ये है 3m और ये है m, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, या यहीं कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, सपोज ये डिस्टेंस है अगर x, तो ये होगा x माइनस r के बराबर। तो अगर मैं x1 लिखूं, या फिर सपोज हाँ x1 लिख देता हूँ, x1, तो वो किसके बराबर होगा, अपोजिट का मास 3m अपॉन 4m टोटल मास इनटू डिस्टेंस, यानी ये 3/4 r के बराबर होगा। सिमिलरली x2 किसके बराबर होगा, r/4 के बराबर होगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m इनटू x1 का स्क्वायर, यानी 3/4 का होल, 3/4 r का होल स्क्वायर प्लस m इनटू r/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे में आ गया हमारे पास कितना 16, यहाँ पे आ गया कितना हमारे पास 9 + 1 = 10। अच्छा यहाँ 3m भी होगा ना बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3 = 12, 12 mr². तो टोटल अगर देखा जाए तो ये आया हमारे पास 3 और 4, तो 3/4 एम आर स्क्वायर। कल ही इस टाइप का सवाल हम लोगों ने किया था, उसमें डी लिया था। इस क्वेश्चन में हम अपने पास बोल रहा है दो डिस्क है जिसका मास सेम है ना एंड हैव सेम थिकनेस, डेंसिटी दिया है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टू डिस्क है तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करना है, एम आर स्क्वायर बाई एम आर वन आर टू स्क्वायर, है ना, आई वन अपॉन आई टू ले लिया, क्योंकि मास सेम था तो मास को कट दिया, आर वन अपॉन आर टू के स्क्वायर पे ही सब कुछ डिपेंड करने वाला। तो अब बोल रहा क्या सेम मास है, यानी प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम शुड बी सेम, यानी डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू थिकनेस, ठीक है। अब लिखते हैं ये आर वन
ये आर टू, ठीक है, ये है डेंसिटी टू पाई आर वन, पाई आर टू का स्क्वायर टी। अब यहां से पाई और टी कट गया, आर वन का स्क्वायर अपॉन आर टू का स्क्वायर किसके बराबर आया, डेंसिटी टू अपॉन डेंसिटी वन के बराबर आया। तो डेंसिटी टू कितना है हमारे पास 51 और ये कितना आया हमारे पास 17, तो आया कितना 3/1, यानी ऑप्शन नंबर डी आया। देखो बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा हमारे पास 9m, जो उसका मास है, इंटू आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि बड़े वाले डिस्क का मास 9m है। अब छोटे वाले डिस्क को जिसको आपने निकाला है उसका मास निकाले, तो m डैश अगर ले लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा 9m अपॉन अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 9 के बराबर, क्योंकि आर बाई 3 का रेडियस रिमूव किया गया, तो कितना हो गया m के बराबर आ गया। ठीक है, तो m डैश की वैल्यू m के बराबर आ गई। यानी अगर मैं देखो बेटा, अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 का निकालना है ओ के अबाउट, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। मतलब आप लिख सकते हैं m इंटू इसका जो रेडियस था r बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक तो इसके सेंटर के अबाउट हुआ। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो वो होगा m इंटू 2r बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो ये कितना है हमारे पास, ये है एम आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर अपॉन 9 के बराबर, अपॉन 9 के बराबर। तो इसको और जरा सा सिंप्लीफाई करें तो नीचे आ गया 18, इधर हुआ 8 प्लस 1 9, तो 9 एम आर स्क्वायर ये बन गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आया, एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर आया। ये है आई टू अबाउट ओ और ये था आई वन अबाउट ओ। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है, नेट के लिए दोनों को माइनस कर दें, तो आई वन ओ माइनस आई टू ओ दोनों को माइनस कर दो बेटा, तो ये आया 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 8, सॉरी 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 4, तो आया 4 एम आर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर।